राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सुरखी विधानसभा के राहतगढ़ में 9 करोड़ की लागत से बनने वाले बस स्टैंड के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। बस स्टैंड के भूमि पूजन के अवसर पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि राहतगढ़ के विकास में पैसे बाधा नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि राहतगढ़ को महानगरों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, बस स्टैंड से इसकी शुरुआत की जा रही है। उन्होंने कहा कि राहतगढ़ में करोड़ों रुपए की लागत से अत्याधुनिक सुविधा युक्त बस स्टैंड तैयार किया जा रहा है, जिसमें यात्रियों के लिए यात्री प्रतीक्षालय व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स तैयार होगा। उन्होंने कहा कि जो भी दुकानदार बस स्टैंड से विस्थापित होंगे उनको प्राथमिकता के साथ व्यवसाय कॉम्प्लेक्स में स्थान दिया जाएगा। इसी प्रकार रेस्ट हाउस को भी दूसरी जगह स्थानांतरित कर सर्व सुविधा युक्त तैयार किया जा रहा है। मंत्री राजपूत ने कहा कि राहतगढ़ विदिशा चौराहा से रेस्ट हाउस बस स्टैंड तक आधुनिक सड़क बनाई जा रही है, जिसमें अत्याधुनिक लाइटिंग भी की जाएगी और पौधारोपण भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस रोड को देखने के लिए सागर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लोग आएंगे। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि राहतगढ़ में बन रहे खेल परिसर स्टेडियम का नाम लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। इसी प्रकार बस स्टैंड का नाम भी आप सभी की सहमति से लोकार्पण के समय किया जाएगा। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सभी राहतगढ़ वासियों से कहा कि आप सभी उस जगह को चिन्हित करें जहां दिल से लिखा जा सके आई लव यू राहतगढ़। आज राहतगढ़ में आप देख रहे हैं, हमने 9 करोड़ रुपया यहां दिया है। इससे सुंदर बस स्टैंड बनेगा, सुंदर यहां दुकानें बनेंगी, सुंदर रेस्ट हाउस बनेगा और पैसे की आवश्यकता और दी जाएंगी। राहतगढ़ हमारा सुरखी विधानसभा का बहुत बड़ा कस्बा है, नगर पंचायत सबसे पुरानी है, सबसे सुंदर पुराना शहर है। इसको और सुंदर बनाने के लिए हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और आज यहाँ सबके प्रयास से अभी राहतगढ़ अकेले में कम से कम मैं समझता हूँ 200 करोड़ काम चल रहे हैं।